गाइस मॉर्निंग वॉक पे आए थे, मॉर्निंग तो कब की हो गई, वॉक खत्म नहीं हो रही, 10 बज चुके हैं, वापस जा रहे हैं, मैं इसमें खाना खाएंगे। और मेरे को ना कल पता चला कि मेरे को 111 रूम नंबर अलॉट हुआ है हॉस्टल में, तो सबसे पहले ना ऊपर जाते हुए अपना नया रूम देख के चलूँगा। और जिनको नहीं पता यार, एक साल हॉस्टल में कंप्लीट हो चुका है, तो जो रूम्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, प्लस रूममेट्स भी चेंज होंगे, तो देख के आता हूँ रूम में कौन कौन से नए नए लोग हैं और कौन सा नया रूम मिला मेरे को। और यहाँ पे यार पता नहीं इस जगह पे कौन सा नया कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पूरी यहाँ इस साइड की दीवार तोड़ दी है और पेड़ पूड़ काट दिया। भाई पेड़ कितने सुंदर लगते थे यहाँ पे, अब खाली खाली से लग रहा है, ये जगह कितना हरा भरा होता था एक टाइम पे। तो यार जैसे ये अपना हॉस्टल के अंदर हमने एंट्री करी है ना, और ये जस्ट मेरे ऊपर वाला फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है। आजा भाई फर्स्ट फ्लोर देख के आना है, खाना खा के जाएंगे। ठीक है चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं फिर चलते हैं ऊपर, फिर रूम फिर काम। हाँ सेम, पहले पेट पूजा फिर काम। ये भाई अपना फेवरेट प्लेस है, मैस का सबसे कोना। अरे यहाँ पे बैठ के खाने में मज़े लगाते हैं, और ज़्यादा गर्मी लग रही है तो कूलर ही रहा, यहाँ बैठ जाते हैं सामने। अब यार अगर उस साइड कोई नहीं बैठा है तो हम ही बैठ जाते हैं कूलर चला के। ओह माय गॉड, ये तो भाजी है, इसमें पाव भाजी वाला तो कोई टेस्ट नहीं है। ये सिर्फ मतलब टेस्ट आ रहा है इसके अंदर से, कोई ये सब्जी है जो मतलब ठीक ठाक बनी हुई है, जिससे तो हम ब्रेड खा रहे हैं। वी आर डन फ्रॉम हेयर, मैस से चलते हैं, आ जाए यहीं से चल। अपना मेरे लिए अगर मेरा फर्स्ट फ्लोर में रूम है ना, तो मेरे लिए एक बड़ा फ़ायदा होगा सबसे ज़्यादा, कि मेरे को ना ज़्यादा चढ़ के मतलब ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा, वरना हम रात को भूख लगती थी 10 बजे लिफ्ट बंद हो जाती थी, और 10 बजे के बाद अगर कुछ खाने जाना है तो 8 फ्लोर नीचे उतरो, 8 फ्लोर वापस ऊपर चढ़ो, अब फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा। सो 108 111 ऐसा सेम मिला तेरे को? तो यार ऐसे रूम में ना मतलब ये जो सबसे कोने वाला रूम है, इसके अंदर ना एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी कंजस्टेड होता है रूम, और फायदा ये होता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी पर्सनल बालकनी होगी, या फिर होगी कोई नहीं चेंज करवाना मेरे को रूम। मैं चाहता हूँ कि मेरा अंकित के साथ रूम हो जाए, और वार्डन सर से बात करने गए थे और उन्होंने भगा दिया कि भाई अगस्त में आना, 2 महीने बाद सीधा जुलाई या अगस्त, अभी जून चल रहा है, जुलाई भी छोड़ो, सीधा कहता है अगस्त में आना। वो रहा सामने वार्डन ऑफिस और वहाँ पे अपना रूम, तो भाई काफ़ी रिस्की काम है, वैसे शोर शोर भी नहीं बजा पाएंगे। तो यार वार्डन ऑफिस से चाबी ले लिया कमरे की, एक भाई रूम भी चेकआउट करके आता हूँ कि रूम कैसा है, क्योंकि अंदर से भाई रूम देखना पड़ेगा ना पहले। यार ये बालकनी मिली है, बालकनी के नाम तो वैसे क्या ही है, ये यहाँ से निकलते हैं हम, ये रहा गेट, एनसी नंबर 2 का गेट, NC1। और मैं सोच रहा था सिर्फ इस कमरे की होगी, बट ये साइड वाला कमरा भी अटैच है इससे। बस चाबी लेके क्यों आया था, मेरे को अलग से सुनाया कि भाई चाबी क्यों लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है ये। चल हम भी 7 से 11 हम कर लेते हैं आज शिफ्ट। जब तीनों वार्डन एक साथ बैठे हो ना, कभी भी जाके किसी से पंगे मत लो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कोई ना कोई टिप्पणी करेगा उसके बाद तुम्हें डांट पड़ जाएगी, और ये जरूर करेंगे वो उंगली उन भाई मत बोल पागल, वीडियो प्रूफ दे रहा था दूसरों को करने के लिए, करने दे जो हरकत करते हैं वो। तो ये रूम अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, वैसे आपको कंजस्टेड नहीं लगता ये रूम थोड़ा ऐसे? दो साल हो गए आपको ऑलरेडी? और मेरे को ना एक बारी अभी भी कंफ्यूजन है कि मतलब आपने यहीं पे रहना है या फिर आप शिफ्ट हो रहे हो? यहीं पे हो परमानेंट? हाँ ठीक है, थैंक यू भैया। मैं स्पेशल वार्डन से चाबी लेके आया, मेरे को पता ही नहीं था यहाँ पे सही में है कोई, ठीक है भैया थैंक यू। तो भाई 7th फ्लोर पे लेके आया अंकित, बनेगा तेरे को 711 मिला है ये लो भाई, फिर मतलब फिर तो कह सकते हैं कि सेम है, इसका 711 मेरा 111।
ताला लगा हुआ है इसका भी। भाई तू वार्डन से चाबी लेने जाए कहीं पता चले कोई रहता है यहाँ पे अभी। मुझे तो इसका रूम ज्यादा सही लग रहा है, यहाँ पे कम से कम ये छोटी सी बालकनी है इस साइड इसकी। कोई नहीं, अगर इसको आज रूम की चाबी मिल जाती इसको आज शिफ्ट करा देते। और मैं अब सोच रहा हूँ कि यार जो तीनों मेरे रूम में भैया होने वाले हैं ना, वो तीनों थर्ड ईयर वाले फोर्थ फोर्थ ईयर वाले होने वाले हैं, तो अब मैं मतलब चेंज कराऊँ नहीं कराऊँ, अगर मतलब जो भी हो, अगर मेरे को वापस घर जाना है उससे पहले मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा। बिना शिफ्ट किए ना पास नहीं मिल रहा घर के लिए, और ये एक बारी हो चुका है मोक्ष के साथ अभी रिसेंटली। वैसे भाई ये वाला जो अपना कमरा है ना, दिस इज लव भाई, मतलब प्यार हो चुका है इस कमरे से, छोड़ने का मन नहीं है ये वाला कमरा। क्योंकि भाई इस कमरे के सारे लोग सबको जानते हैं अब, इस व्यू की आदत हो गया भाई, इतना बढ़िया व्यू और कहाँ मिलेगा। फर्स्ट फ्लोर पे तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा ऐसा व्यू कहीं पे। एक बंदा वापस आ गया, कह रहा है कि भाई आज ही करूँगा रूम शिफ्ट, मैंने इस चाबी के लिए गालियाँ खाई ना, वैसे ही ये आज गालियाँ खाएगा एक बारी और। चलो भाई का साथ देने चलते हैं थोड़ा, कि गालियाँ खाएगा तो वार्डन से, मैं थोड़ा देखूँगा ना दूर से बाहर ऑफिस से। यार मेरा मन नहीं है शिफ्ट करने का, क्योंकि भाई देख अभी ना मेरा 8th फ्लोर है, इसका 9th फ्लोर है, तो मेरे को जब भी मिलना होता ना मैं बस एक फ्लोर चढ़ता हूँ और इसके पास पहुँच जाता हूँ कि भाई अंकित ये काम है देख ऐसा है वैसा है जो भी है। और अगर इसका फ्लोर ये सही में 7th हो गया और मेरा सही में 1st हो गया, मेरे को स्पेशली 7 फ्लोर चढ़ के आना पड़ेगा तेरे लिए, प्रॉब्लम हो जाएगी यार। और इसको चाबी नहीं मिली अभी, आज ही लेगा हाँ। आज ही करेगा दो दिन पहले। ये पीछे खड़ा हुआ दिख रहा है, फोर्डन ऑफिस में खड़ा है और डांट खाने की तैयारी कर रहा है कि भाई आज तो डांट खा के रहेगा। मैंने अभी एक्सपीरियंस किया भाई, चाबी लेने के लिए डांट खाई है जो मैंने, मेरा तो चलो फिर भी अलग ही पॉकेट बना कि भाई कमरे में बच्चे थे इसके बारे में तो चलो ताला लगा हुआ, पर ताला तो मेरी बारी में भी था भाई। आज रीडिंग रूम खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली। अच्छा एक चीज़ और, मेरे ख्याल से हर एनसी के टावर की एक रीडिंग रूम की खासियत बताऊँ, तुम पढ़ पढ़ के तंग हो जाओ ना, ये एक जगह है जो मतलब जो नीचे दुकान है खाने की, ये उसका रूफ टॉप है, ये जो बेकर सब है नीचे हमारे यहाँ की शॉप, उसका रूफ टॉप है। और भाई ये बहुत प्यारी जगह है यार, रात को अगर कभी मन ना लग रहा हो ना रूम पे, तो टावर के नीचे यहाँ पे आ जाओ, चिल करने के लिए अच्छी जगह है ये वाली। नीचे से दुकान से खाना लोड यहाँ लेके आओ, यहाँ पे आके खाओ, बढ़िया। 1.5 घंटा लगाया वार्डन ने, अब जाके इसको चाबी मिली है। ये भी चाबी वो नहीं है, तू देख ले कंफर्म बोल रहे। जो चाबी इसको मिला इसका कहना है कि भाई ये वाली चाबी लगेगी ही नहीं उस ताले में, क्योंकि वो ताला दिखने में लगा। देखते हैं, ताला तो दूसरा है नहीं। तो भाई वार्डन अब साथ में आया है, उस कमरे का ताला तोड़ा जाएगा, क्योंकि जिस बंदे ने ताला लगाया वो अपना घर चला गया। भाई ये क्या सुसाइडल, ओहो ये रूम तो सुसाइडल लग रहा है। ये सर इसकी बात हो रही है, हम तो ये देखते हैं। तो भाई अंकित को जो मिली अलमारी, वाह वाह वाह, यहाँ पे ये चीज गायब है, टूट रखी है। अब भैया कंप्लेंट डालेंगे इसकी, ये सही होगा। तो बाकी यार वार्डन भी वापस आया, मतलब पंखे पे ये क्या लटका हुआ है ये सोच के थोड़ा थोड़ा फनी सीन हुआ यार। वार्डन की रिएक्शन कैसे करते हैं, मुझे इसका कमरा ठीक लग रहा है, क्योंकि वो जो वेंट है उसमें से डायरेक्ट बहुत तेज हवा आ रही है, क्योंकि जो कूलर है वो ये रहा, इतना बड़ा कूलर और ये स्टार्टिंग में ही है, तो यहाँ से तेज हवा आ रही है। प्लस यहाँ पे 3 खिड़कियाँ हैं, 1, 2, 3 प्लस 4 प्लस यहाँ पे गेट खुला है। कंप्लेंट हाँ वो करवाता हूँ, बाकी यार चलो देखते हैं होता क्या है, अगर बनता है ना तो मैं इसके साथ कमरे में आऊँगा। तो यार अंकित को जो है उसका रूम मिल चुका है, तो मैं उसका अभी रूम शिफ्ट करवाने आया हूँ।
हो रही है तैयारी? अच्छे से कर रहे हैं सब कुछ? बैक पैक पहले एक दो चक्कर मारने पड़ेंगे क्या? दो चक्कर देख लेते हैं कितना चक्कर लगेगा। मैं भी देखता हूँ आज तुमने बैड में छुपा के क्या रखा है। कुछ नहीं, बैग होगा, देखते हैं। हॉस्टल में रहने की ना सबसे ज्यादा दिक्कत ऐसी है, एक सॉक्स कुछ और, एक सॉक्स कुछ और, देख लेते। और ये मेरे साथ बहुत कुछ बहुत ज्यादा हो रखा है, बहुत ज्यादा। मिल जाए इसका कोई पेयर तुमको? होगा भाई, मेरे पास सिंगल सॉक्स से बहुत सारी पड़ी हैं, पेयर गुम हो जाते हैं। तो भाई बैग बुक तैयार है सारे, चलते हैं लेके, पहुंचते हैं भाई कमरे पे। तो भाई पहुंच गए हैं सीधा रूम पे, सामान लेके सारा का सारा। ओ भाई भाई भाई, इसके यहाँ से व्यू यार फिर भी ठीक है, मेरे वाले कमरे से तो आएगा ही नहीं। तू ना अपना जो तेरा रूममेट है ना उससे बात कर कि मेरे साथ रूम स्वैप करेगा तो अच्छा। यार फिर तू छोड़ रहा है तो बता, हम उसको बुला रहे हैं अपने रूम में। हाँ मतलब वो ना, मेरे को लगा मेरे को कह रहा है मैं छोड़ रहा हूँ तो। चल चल चल, बिखरने का मुझे शौक है बड़ा। खुशखबरी आई है भाई, अंकित के रूम में जो बंदा मतलब शिफ्ट हुआ है ना नया नया, इसका दोस्त था पहले, दोस्त क्या बोल रहा हूँ ना, अंकित का दोस्त जिसके कमरे में था राहुल, वो मान गया कि भाई मेरे साथ कमरा स्वैप करने के लिए। तो अंकित ब्रो आज ही आ रहा हूँ तेरे कमरे में, सारा सामान अपना शिफ्ट कर रहा हूँ इस कमरे में। इन शॉर्ट ये कमरा अब अपना होने वाला है नया नया, ये अंकित का बेड है तो ये वाला बेड मैं दे रहा हूँ। अरे 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 ओ भाई ये क्या है? तो यार बहुत हो गया शिफ्टिंग, बहुत मेहनत कर दिया भाई खाना खाने के लिए कुछ। तो भाई लगे हाथ, मैं भी अपना सारा का सारा सामान ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, इसके साथ ही थोड़ा और है लेके आते हैं। ओए तू लिफ्ट के पास रुक, मैं लेके आता हूँ। भाई मैंने सोचा नहीं था बट मेरा सामान सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। ये थोड़ा सा और सामान है, बाल्टी। लव यू यार, रूम याद आएगी तेरी, ठीक है। ताला लगाता हूँ, आ गया, बस हो गया, बाय। और ये सारी लिफ्ट में जो जितना भी सामान है सब मेरा है, और गद्दा बेचारा फोल्ड होगा, कर दे बंद भाई। मैस में आ गए हैं भाई, अपना खाना खुद लेके। मैस वाले आपको बताइए स्नैक्स 5 रुपए वाले कुछ भी पकड़ा देंगे, तो हम अपना खाना खुद लेके चलते हैं। हाँ हाँ बस ये टूटे ना पहला बिस्किट, नाइस। मैस वाला तुमसे ज्यादा अमीर है। तो भाई हमारा खाना पीना आ चुका है, काम इतना करने वाले। सही है, सुन क्या समझ रहे हो ना, आज मैं ये काम कर देंगे। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस, थोड़ा कुछ खाते पीते हैं, रेस्ट भी तो चाहिए। बेटे बेटे माज कर दी, माज कर दी वाह बेटे वाह। तो यार अपना बढ़िया सा सेटअप भी कर चुका हूँ मैं यहाँ पे, नाइस। उठ 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 जा, चुपचाप वहाँ जा, ठीक है। तो यार अगले व्लॉग से इसका मतलब अंकित और मैं आपको एक रूम में दिखने वाले हैं, तो बाय। ओ भाई, अरे 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 अरे, ये तो दिवाली पे देखेंगे, छोड़। गंदा कहीं गायब हो गया भाई, गायब हो गया, कुछ नहीं है।